सो माशाल्लाह दोस्तों, एक ही फ्रेम में आपको तीन बेहतरीन कोटा देखने मिल रहे हैं। साइम भाई, सबसे पहले आपके हाथ में बकरे के बारे में बताइए। भाई ये 6 दांत का बकरा है भाई जी। ये 70 kg के आसपास बकरा है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, तीन कलर में बकरा, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, ट्रिपल कलर। इसका नाम भी ट्रिपल है भाई जी, एकदम गोल सिक्के का बकरा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, तीनों बकरे ऐसे तो गर्म ही है। ये बकरे के बारे में बताइए सैम भाई। भाई ये बकरा अभी 6 दांत का बकरा है जी, ठीक है। ये बकरा भी आएगा 70 kg के आसपास आएगा। मतलब तीनों बकरे मेरे को लगता है 70 के ही रेंज वाले हैं। 70 के रेंज के हैं। सही है अली भाई, इसको थोड़ा आगे लेके आओ और लाओ आगे। हाँ बस, अभी 4 दांत पे। 4 दांत पे, ओहो, फुल गरम। फुल गरम है भाई, 4 दांत। मतलब अंदर वीडियो बनाने का एक ये है कि आवाज़ ही नहीं आएगी हमारी। इतनी आवाज करते हैं बकरे। ये बकरा, एक बकरा बाहर निकलता है ना तो पूरे बकरे ऐसा शोर करते हैं। शायद सबसे बड़ा कोटा कलेक्शन रियान गोट फार्म पे, ये मेरे को लग रहा है। हां अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आज की तारीख में बड़ा तो नहीं बोलेंगे। नहीं मतलब है पब्लिक के पास 20 कोटा है, 40 है। बेचने वाले हैं पलाई पे तो रहते हैं। 80 कोटा एक जगह पे, सब बकरे बेचने के लिए ही। या अगर इससे ज्यादा किसी के पास है तो बुला के बताएं हमको, है ना। बहुत अच्छे अच्छे बकरे, तो अभी एक साथ तो छोड़ नहीं सकते। आदिल भाई उसको यहाँ लाओ तो खेलो उससे। ओ कर दो, अंदर कर दो आदिल भाई, उसको अंदर कर दो, अंदर ले जाओ। अली भाई आप छोड़ो उसको वहाँ लेके आ गया। सही है, मतलब चलने फिरने में सब बकरे हेल्दी हैं। छोड़ के दिखाने का ये मकसद है कि लोगों को मालूम पड़ जाए कि चलने फिरने में कैसे हैं बकरे। सही है, जान दो, पकड़ लो। तो साइम भाई माशाल्लाह, ये दोनों हैवी वेट कोटा दिख रहे हैं मेरे को तो। नायाब है, क्या दांत पे होंगे दोनों भाई? दोनों 6 दांत पे है बकरे। ओके, और वजन जो भी रहेगा तो इंशाल्लाह अपन वजन कांटे पे ही देख लेते हैं। चलिए आइए, पहले आदिल भाई आप लाओ वो बकरे को, लाओ उसको। सो दोस्तों माशाल्लाह कलर चेक करें, एकदम वाइट और ग्रेइश कलर का बकरा है। सिक्के देखें आप, बहुत नायाब बकरा है ये। लंबे कानों में 0 है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। अब ये बकरे को हम लोग ले लेते हैं कांटे पे। बंद कर दिए हैं। अराउंड 70 kg है ये। ये तो बाहर निकल रहा है यहाँ से, फिर अंदर डाला गया उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव बकरा है, रुकेगा नहीं है। 68 kg है, ठीक है, निकाल लो बाहर, लाओ। अब ये दूसरा बकरे को देख लेते हैं, वजन डाल दो भाई। बहुत अच्छा लेंथ है बकरे का, ये बकरा अच्छी फ्रेम में है, वजन में भी अच्छा है। 75 kg, निकाल लो भाई। 75 kg लाइए। पकड़ लो सर, मैं सो माशाल्लाह वज़न भी करके देख लिया सैम भाई। हाँ। काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ, अगर किसी को चाहिए तो आपके यहीं रख सकते हैं पलाई पे। हाँ, पलाई पे रख सकते हैं, है ना। आपने दांत कितने बताए? 6 दांत। 6 दांत का है, 6 दांत पर। वज़न 75 है और काफ़ी चौड़ा बकरा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी चौड़ा बकरा है और 38 की हाइट है भाई। 38 की हाइट, 39 की हाइट है। सही है, तो ये देख लिया हमने दोनों बकरे माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत यूनिक कलर है भाई। भाई बहुत यूनिक कलर है और बकरा भी बहुत यूनिक है, बहुत मारने वाला बकरा है आशिम भाई। अच्छा, बहुत एकदम आड़ा, तो इस आड़ी जो बोलते हैं ना भाई। हाँ। वो आड़ी तो बहुत डेंजर मारता है भाई पीछे की तरफ। और आपने क्या बकरों के नाम वाम भी रखे हुए यहाँ पर? बकरे के नाम तो भाई बहुत कम बकरों के नाम रखे हुए हैं जी जी। अब इंशाल्लाह ऐसा है जो भी लेगा वो अपना नाम रखेगा भाई, और उसके नाम से बकरा पलेगा अपने जी। माशाल्लाह कलर वलर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, सिंग देखें इसके, माशाल्लाह सही है।
सो भाई ये क्या अभी अदंती है भाई? ये अभी 38 की हाइट आ चुकी, हाइट देखिए यहाँ पे 38-39 जाएगी हाइट इसकी इंशाल्लाह, और 70 केजीज का वेट आएगा, और अभी दांत नहीं किया है, फट किया है, मतलब ये अदन बच्चा है, अभी अदन बच्चा है, नायाब बकरा है माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत साइज लेने वाला बच्चा है ये इंशाल्लाह, एक साल अगर कोई पल्टी पे इसको रखना चाहता है तो आराम से रख सकता है इसको, और हम इसको अपने पास पलाई में रख सकते हैं, और लेके जाना कोई चाहता है तो वो लेके जा भी सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। सही है, लेकिन चीज़ माशाल्लाह देखिए आसिम भाई, छोड़ो थोड़ा, बहुत नायाब बकरा है भाई, बहुत अच्छी है, अपने पास जब से आया वेट गेन कर रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा 65 केजी के करीब आया, 62-63 केजी पे आया था शायद से, और 70 केजी हो सकता है कि अभी 72 वगैरह में भी हो, टाइम लगेगा इसको वजन करके, लेकिन 70 केजी में इसका वजन किया था 10-15 दिन पहले। सही, लेकिन शायद मौसम भी ख़राब था अभी थोड़ा 3-4 दिन पहले, जैसे लोग को मालूम होगा तो कुछ बकरे रिवर्स भी आए हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह गेन कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, अंदर कर देते हैं इसको। सो एक और जोड़ी देख रहे हैं हम लोग दोस्तों रियान गोड फार्म पे। साइम भाई क्या डिटेल्स पे है बकरे भाई? ये 6 दांत का बकरा है, पूरा वाइट गुलाबी बकरा है माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाइट गुलाबी है और एकदम बड़े हथियार का बकरा है माशाल्लाह भाई, इस पर कोई भी डॉट नहीं है, पूरा वाइट है, कोई भी डॉट नहीं है, खाली नाक पे छाट है, बाकी पूरा वाइट बकरा है। सही है, पूरा गुलाबी बकरा है। दांत कितने? 6 दांत के है, ये होगा 70 केजी के आसपास बकरा है जी। और ये आदर्श साइम भाई किया है बच्चे ने जी, माशाल्लाह एक साल में समझता हूँ पलटी के लिए आराम से है, अगर कोई लेना चाहता है तो आराम से एक साल और रख सकता है। अब एक जगह रुकेगा नहीं, इसका फ्रेम दिखाइए आप लोग को जी, कि क्या चौड़े फ्रेम का बकरा है, बहुत अच्छा है, पट्टा क्या आया है कलर का, बहुत प्यारा है भाई, और झारा पट्टी वगैरह जैसा में लोग पसंद करते हैं, अभी तो माशाल्लाह इसको आएगी 4 दांत पे, ये हाल है इसका, नेक्स्ट ईयर तक तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा वेट गेन मिलेगा, ये गुस्से में आ गया शायद, ये खुले कान का है भाई थोड़ा, हाँ भाई ये खुले कान का, खुले कान का है, हार्ड वर्क फार्म में जितने भी बकरे हैं भाई सब गरम बकरे हैं, हाँ अंदर वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हम लोग, हमको धूप में शूट करना पड़ रहा है, शूट करना पड़ रहा है, इतनी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, और रुक रहे कहां है भाई आप देखिए ना, ये एक बकरा नहीं रुक रहा है, वाह मजा आ गया, चलिए जाने देते हैं इनको भी, वाह एक और कोटा देख रहे हैं, क्या डिटेल भाई? 4 दांत का बकरा है माशाल्लाह, 37 की हाइट है ये, और ये भी अराउंड आएगा 70 केजी के आसपास आएगा बकरा माशाल्लाह, गला पट्टी झालर देखो, फुल गला पट्टी, आंखें देखो जैसी दबी हुई होती हैं, जैसे गिर का बछड़ा, एकदम गोल सिक्के का बकरा है भाई, मजा आ गया, बहुत प्यारा बकरा, गला पट्टी होती है देखो बकरा, और फुल गरम बच्चा है भाई, देखो गरम बच्चा है, खेलने वाला बच्चा है, एकदम गरम है भाई, सही है। दोस्तों एक और काफी नायाब कोटा देख रहे हैं पालने लायक, कितने दांत पे आदिल भाई? 2 दांत पे, अंदाजा आपके वजन क्या होगा इसका? 50-55। कलर बहुत अच्छा है इसका ना, कान देखो लंबे, और ये बहुत पागल बकरा है, गरम बकरा है, अच्छा थोड़ा छोड़ो, छोड़ दो थोड़ा, ठीक है आदिल भाई, आदिल भाई डाल मेंटल बकरा ऊपर, मैं समझ गया तुम आए क्यों नहीं वीडियो में वो चाने पीछे से आके बोल रहे है ना वही मैं बोला आदिल को इंटरव्यू देने क्यों बोल रहे चलो आओ बैठो सैम भाई, माशाल्लाह तो ये बकरे के बारे में बताइए, हमारी घर की बकरी का बच्चा है, अच्छा अपने रियान गुड फार्म का पैदा है, वाह भाई इसका सीना वगैरह चेक करिए, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बच्चे की क्वालिटी क्या है, एक नंबर क्वालिटी है, और हथियार माशाल्लाह एक भी यहाँ से वहाँ नहीं होंगे, एकदम सेम टू सेम दोनों हथियार है, ये कमाल की बात होती है, बिल्कुल सालियन जैसी सिंह है भाई, हाँ बिल्कुल सालियन जैसी सिंह है, ये बहुत बड़ी बात है कि हथियार एक सरीके,
और फुल गोल बच्चा है, ओरिजिनल बरबरा है आशीम भाई जी, बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छी क्वालिटी है माशाल्लाह बरबरा, एकदम 11 नंबर के कान बोलते हैं ना वैसे, 11 नंबर पुड़नी कान है माशाल्लाह, और एकदम पूरे खड़े फिक्के का बकरा है जी। तो ये भी देना है अभी ये साल? हां भाई, हां इंशाल्लाह ये बकरा भी देना है भाई। तो जिसको भी चाहिए कॉन्टेक्ट कर लेगा है ना, दिए हुए नंबर्स पे रेहान गुड फार्म के आप लोग कॉन्टेक्ट करें, बहुत प्यारा बरबरा है भाई। लाइव आके मैं तो बोलूंगा ये बकरे को आप लाइव आके देखो और सौदा करो, जिस किसी को भी इंटरेस्ट, नायाब चीज़ है भाई, नायाब चीज़ है माशाल्लाह, सामने से ये देखने में इसकी अलग ही बात है, जो क्वालिटी का जो फ्रेम है ना इसका माशाल्लाह, मैं थोड़ा छोटा हूँ आप थोड़ा गौर कीजिए कि जो फ्रेम का बकरा है, गर्दन वगैरह देखिए उसकी, वाह भाई बहुत अच्छा, पूरा चिकना है, पूरा शाइनिंग में एकदम चिकना बरबरा है माशाल्लाह। जो भूरे बोलते हैं थोड़ा भूरे टाइप में बरबरा है, इसकी खुर वगैरह भी आप देखोगे ना थोड़ा भूरी है, जान दो भाई